जय श्री राम। रामायण के युद्ध प्रसंगों में मेघनास द्वारा और निर्णायक युद्ध के समय रावण और रामजी द्वारा जिन रथों का उपयोग हुआ है उनकी क्षमता और कार्यशैली देखकर हमें यह मान लेना चाहिए कि उस समय का विमान विज्ञान हमारे आज के विमान विज्ञान से कहीं अधिक उन्नत और घातक था। आज तक के सबसे भयानक युद्ध के बाद रामजी के हाथों रावण का अंत होता है और सारे ब्रह्मांड में खुशी की लहर दौड़ जाती है। रावण जैसा बुद्धिमान, ज्ञानवान, बलवान, धनवान उस समय संसार में कोई नहीं था, फिर भी पाप और धर्म के पथ पर चलने के कारण वो एक भयानक दर्दनाक मौत मारा गया। स्वार्थ या अहंकार के लिए पाप, अधर्म, भ्रष्टाचार और अत्याचार करने वाले हर इंसान को इस प्रसंग से सीख लेनी चाहिए कि बुरे काम का नतीजा सिर्फ और सिर्फ बुरा होता है। रावण वध के इस अभूतपूर्व उपलब्धि पर लक्ष्मण जी सहित सब लोग राम जी को बधाई देते हैं और कहते हैं कि रावण पर राम की विजय हुई। तो राम जी कहते हैं, ध्यान से सुनिए, यह विजय केवल राम की नहीं है, तुम सबकी है। सबकी सहायता से ही राम यह युद्ध जीत सका। यह जीत तुम सबकी है। यानी अपने हर सेवक, हर सैनिक को बराबर का श्रेय देकर श्री राम जी ने हर सामर्थ्यवान को एक संदेश दिया है कि उपलब्धि कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, परंतु उसका श्रेय उससे जुड़े हर सहयोगी को मिलना चाहिए। मंदोदरी आदि के हृदय विदारक करुण विलाप के बीच रावण के नाना माल्यवान आत्मसमर्पण करते हैं। वो सारी लंका का राज्य, राजकोष राम को समर्पित कर देते हैं और उनसे निवेदन करते हुए कहते हैं, आज से लंका और लंका के निवासी आपके अयोध्या के अधीन रहेंगे, बची हुई प्रजा पर आपकी दया दृष्टि बनी रहे प्रभु। राम जी कहते हैं, माल्यवान जी, ये धरती आपकी है और आपकी ही रहेगी। किसी की धरती पर बलपूर्वक अधिकार करने का न हमारा धर्म है न हमारी नीति। हम तो पापियों को दंड देने के लिए ही धनुष बाण धारण करते हैं। लंका वासियों को अपने अधीन करके परतंत्र बनाने और लंका का राज्य हड़प कर उस पर अपनी सत्ता जमाने के लिए हमने युद्ध नहीं किया। रावण के अधर्म, अनीति और अत्याचार के कारण बाध्य होकर हमें यह युद्ध करना पड़ा। लंका लंका वासियों की ही है, उस पर उनका ही आधिपत्य रहेगा, अयोध्या का नहीं। हम युद्ध से पहले ही महाराज विभीषण को लंका का राजा घोषित कर चुके हैं। राम जी रावण के पार्थिव शरीर को सादर प्रणाम करते हैं, उस महात्मा के लिए सदगति की प्रार्थना करते हैं और माल्यवान और विभीषण से अनुरोध करते हैं कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ रावण का अंतिम संस्कार किया जाए। यह है श्री राम का विशाल हृदय, उदार चरित्र और लोभ लालच सर्वथा विहीन आचरण। जिस लंका के वैभव का लोभ तीनों लोगों को लालायित करता है, उसे राम जी ने बिल्कुल निष्काम भाव से विभीषण को दे दिया। पूरे राजकीय सम्मान के साथ रावण का अंतिम संस्कार होता है और विभीषण का राज्याभिषेक। सीता जी को सम्मान सहित श्री राम जी के पास लाने के लिए विभीषण, सुग्रीव, हनुमान आदि अशोक वाटिका जाते हैं। सुंदर पालकी सजाकर सीता जी राम के सम्मुख लाई जाती है और उसके बाद अग्नि परीक्षा का हृदय विदारक प्रसंग, जिसे न कहा जा सकता है न ही समझा जा सकता है। सीता राम की इस रहस्यमय लीला को बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानी और देवता भी नहीं समझ सके तो उस समय के लोग और आज का मानव कैसे समझेगा। और अंत में बरसों की प्रतीक्षा के बाद वो पल आता है जब श्री राम और सीता जी का मिलन होता है और वो दोनों एक साथ सबको दर्शन देकर सबको तृप्त कर देते हैं। जय श्री राम।